हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज के दिन में एक वीडियो ऑलरेडी आ गई है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक क्लीन साइंस एंड यहाँ पर ये तीन स्टॉक से रिलेटेड बातें करी गई है टारगेट से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन किया गया है एज वेल एज यहाँ पर कब बाइंग करनी चाहिए उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें की गई है तो वीडियो को जाके देखिए और सेलिंग की रिकमेंडेशन वीडियो में हम देते नहीं है। बस आपको सिखाने कोशिश रहती है फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी कर तो करनी है और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए दूसरी वीडियो को भी जाके देखिए उन्हें भी लाइक करिए यहाँ पर प्ले लिस्ट को गो थ्रू करिए और इस वीडियो में, में हम बात करने वाले है एक ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जिसे बहुत ज़्यादा फायदा मुझे नजर आ रहा है देगा, तो उस चीज से हम रिलेटेड देखिए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा तो आइए चलते आगे की तरफ देखिए यहाँ पर आपने सुना होगा ओला यहाँ पर देखिए ओला इलेक्ट्रिक सेल्स कितना मतलब सिक्स हंड्रेड करोड़ रुपीज का आ, यहाँ पर इन्होंने एस वन स्कूटर जो इनके एस वन स्कूटर एज वन प्रो स्कूटर वो इन्होंने सेल आउट कर दिए मतलब एक दिन के अंदर अंदर यहाँ पर अगर आप और भी कुछ चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ट्वेंटी फोर आवर्स यहाँ पर देखिए ओला इलेक्ट्रिक मैसेब वो, वो मतलब एटी थाउजेंड कन्फर्म्स ऑर्डर और यहाँ पर इन्हें मिलते हुए नजर आ रहे वो भी बारह घंटे के अंदर अंदर ये मतलब इस तरीके से यहाँ पर इन ये न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं फोर यूनिट्स एवरी सेकेंड मतलब हर चार हर सेकंड में चार यूनिट इनकी नजर आ रही है अब ओला उस देखिए ओला का स्टॉक तो मार्केट में है नहीं अगर ओला का स्टॉक मार्केट में होता तो आज के दिन में ये बहुत भागता हुआ दिखाई देता बट एक ऐसा स्टॉक्स है जो कि इससे रिलेटेड है और जो कि ऑलरेडी भाग चुका है ओके okay, ऑलरेडी um, uh, जब उसे न्यूज आई है वो सिक्सटी परसेंट एक महीने में भाग चुका है बट अभी भी उस स्टॉक्स में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है अभी तो उसने केवल ट्रेलर दिखाया है आगे और भागता हुआ दिखाई देगा देखिए कल के दिन में यहाँ पर यहाँ पर पी स्कीम्स भी डिसाइड होती हुई दिखाई दी थी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो कि हम कहते हैं छब्बीस करोड़ रुपए की वो भी किसके लिए यहाँ पर ऑटो सेक्टर के लिए तो उस सेक्टर को भी यहाँ पर आ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ बन, बनती हुई दिखाई देगी तो कौन स्टॉक्स है उससे रिलेटेड बातें करते हैं बट यहां पर कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूं तो यहां पर देखिए ओला ये इसका इमेज और डिजाइन है आपने देखा होगा यहाँ पर देखिए कितना स्मूथ और कितनी बेहतरीन यहाँ पर ये ओला के स्कूटर यहाँ पर नजर आ रहे हैं ओके okay, और इसकी स्पीड वगैरह की अगर बात करें तो लगभग 180 uh, किलोमीटर uh, पर चार्जिंग से ये चल सकता है 115 किलोमीटर की कि यहाँ पर स्पीड भी है ओके okay, uh, और यहाँ पर छह से सात घंटे के अंदर अंदर ये ईजिल चार्ज हो जाता है तो उस चीज से रिलेटेड और एज वेल एज यहाँ पर इसका डिजाइन देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा देखिए इसकी ये हेडलाइट देखिए ओके okay, यहाँ पर हेडलाइट्स देखिए बेहतरीन हेडलाइट्स यहाँ पर नजर आ रही है एज वेल एज कुछ और चीजें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर ये यह देखिए इसका जो अम्म ये ऊपर का हिस्सा होता है आई डोंट नो व्हाट इज सेड ओके इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता अगर यहाँ पर देखिए तो ये डायरेक्शन किलोमीटर एवरीथिंग इट विल शो ओवर हेयर ओके बुकिंग आपके सामने तो यहाँ पर देखिए इसकी हेडलाइट्स लाइट ओके यहाँ पर इसके इंडिकेटर्स यहाँ पर और यहाँ पर देखिए काफी अच्छा है तो ऐसी एक कंपनी है जो कि इसे ओला को यहाँ पर हेडलाइट्स एज वेल एज अगर बात करें ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिलीवर करती हुई नजर आ रही है ऑलरेडी स्टॉक्स यहाँ पर भागता हुआ नजर आया उस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं तो कौन सा स्टॉक्स है पहले हम वो जान लेते हैं तो देखिए यहाँ पर एक स्टॉक्स यहाँ पर है तो उस स्टॉक्स का नाम है यहाँ पर देखिए फ्याम स्टॉक्स पर एक महीने पहले की बात करें तो देखिए यहाँ पर ट्वेंटी आफ्टर टर्निंग सोल सप्लायर टू ओला इलेक्ट्रिक अगर बात करें ओला इलेक्ट्रिक को ये केवल एक ऐसा स्टॉक्स है जो कि यहाँ पर uh, यहाँ पर ये यह प्रोडक्ट्स मतलब इसके ऑटो uh, एंसिलरीज यहाँ पर प्रोवाइड करता है वो दिखाई दे रहा है जो कि था, इसके हेडलाइट्स एंड ऑल ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है अपर सर्किट और एज वेल एज बात करें तो लगभग लगभग सिक्सटी परसेंट शेयर अब वहां से भाग चुका है फिम इंडस्ट्री

पर ओला जो कि अगर बात करें करोड़ रुपए कुछ सप्लाई भी नहीं होगी तो उससे ज्यादा यहाँ पर ये बेच चुके हैं तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजों का फायदा इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को मिलता हुआ नजर आएगा जिसका नाम है फियाम इंडस्ट्री फियाम इंडस्ट्री का स्टॉक्स लगभग ग्यारह रुपए के आसपास चल रहा है

ओके ऑटोमोटिव लाइटिंग में कंपनी काम करती हुई नजर आती है और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो मिरर लगते हुए नजर आ रहे हैं काम करती हुई नजर आती है इट हैज अबाउट ट्वेंटी टू थर्टी मार्केट शेयर ऑफ टू व्हीलर हेडलैम्प मार्केट इन इंडिया मतलब जितनी भी आप uh, देखेंगे ना uh, क्या कहते हैं uh, जितनी भी आप बाइक या स्कूटर यहाँ पर देखेंगे तो वन थर्ड मतलब अगर हर तीसरी गाड़ी में से एक के यहाँ पर हेडलाइट इसी का इसी कंपनी का बना हुआ होता है कस्टमर की बात करें तो देखिए इनके कस्टमर्स काफी बेहतरीन है मैं आगे और दिखाऊंगा इनके कस्टमर्स होंडाया टीवीएस टाटा मोटो मार्को पोलो अगर बात करें यहाँ पर थ्री 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 कस्टमर जो है इनका सेवेंटी एट परसेंट रेवेन्यू आता दो हजार बीस में आया था जो कि यहाँ पर और भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें देख रहे हैं लैम्स एंड ऑल में यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पर देख सकते कंपनी जापान की है इनके साथ इनका टाईप्स है यहाँ पर अगर बात करें डेवलप बैंक सेंसर हैज स्टार्टेड सप्लाइंग इट टू टीवीएस एंड यामाहा आ, यहाँ पर अगर बात करें फोर्टी टू परसेंट ऑटोमोटिव लैम्प यहाँ पर 2020 में आया था 65 फाइव परसेंट दो में आया था मतलब कम होता हुआ नजर आया था लैम्प एलईडी लैंप्स की बात करें 26 परसेंट तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें अच्छा खासा इनका मार्केट कैप है और आगे चल के इसका मार्केट कैप और बड़े बड़े क्लाइंट जब इनके साथ जुड़ रहे हैं तो वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा सबसे पहले हमें एक बिजनेस तो हमने समझ लिया कि क्या कंपनी

तो यहाँ पर आप ये देख ही सकते हैं और ये इस तरीके से घर के लिए जो ये बल्ब होते हैं वो भी ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है इंडोर एलईडी बल्ब और जो स्ट्रीट लाइट है वो भी ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है यहाँ पर देखिए ये जो स्टेशन और यहाँ पर जो ये लगे होते हैं बोर्ड वो ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है और बसेज में आपने पीछे देखा होगा जो इंडिकेटर इंटीग्रेटेड जो इंडिकेटर होते हैं ओके ये भी ये कंपनी ही बनाती हुई नजर आती है और इनके क्लाइंट क्लाइंट की बात करें तो आपको क्लाइंट के बारे में एक बार बता देते हैं देखिए टू व्हीलर डोमेस्टिक कस्टमर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर होंडा टी वी एस यू जू पी या वहाँ सारे बड़े नाम यहाँ पर हार्डली डेविडसन महिंद्रा बी सी ए यहाँ पर एल एल एम एल हीरो 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 इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक में भी यहाँ पर इस इन्हें सप्लाई कर रही है अब माल इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं ये तो अगर डोमेस्टिक अगर हम ग्लोबल कस्टमर्स की बात करें तो इनके ग्लोबल कस्टमर भी देखिए होंडा पियागो टी वी एस ओके ग्लोबल सु जो की टॉर्क यहाँ पर ये यह इनके हैं एज वेल टू व्हीलर की बात हुई है केवल अगर हम बात करें यहाँ पर फोर व्हीलर की तो यहाँ पर फोर व्हीलर में हम एक बार देख लेते हैं फोर व्हीलर में देखिए डोमेस्टिक कस्टमर्स की बात कर लेते हैं तो देखिए टाटा ओके फोर्स यहाँ पर होंडा मारुति सुजुकी महिंद्रा हायउंडाई है, और यहाँ पर स्कोड़ा यहाँ पर फोक्स अगर बात करें डैमलो स्वराज माजदा मतलब जितने भी यहाँ पर है सारे के सारे महिंद्रा जेसीबी बी क्लर्क मतलब यहाँ पर देखिए अतुल जितने भी पर है व्हीलर, व्हीलर या जो भी है उनमें ये कंपनी उन, उन, सबको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचती हुई नजर आती है और यहाँ पर बात करें ग्लोबल की तो ग्लोबल में यहाँ पर देख सकते हैं कॉमर्स कौ, पार्डेक्स, कुबोतो अजेक्स अजैक्स, अजैक्स फ्योरी यहाँ पर एसपो एसपॉक एस, यहाँ पर हो गए एज वेल एज यहाँ पर टू व्हीलर थ्री व्हीलर एज वेल एज यहाँ पर ये यह सारे के सारे क्योंकि अर्जुन यहाँ पर थ्री व्हीलर में काम करता है इसलिए मैंने थ्री व्हीलर का नाम लिया है और यहाँ पर देखिए एलईडी एलईडी में तो अगर बात करें तो देखिए इंडियन ऑयल आई आर को यहाँ पर इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ओके इस यहाँ पर बात करें पी हरियाणा एज वेल एज सुजुकी होंडा हयात यहाँ पर होटल्स में भी यहाँ पर एलईडी सैमसंग बीकानेर जो कि यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली में काफी चलता है बास्को यूफ्लेक्स वर्व एनर्जी मतलब

पर लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम थी बट but... अभी जो इनकी जो अभी रिजल्ट आएंगे तो मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट और बेहतरीन आएंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर ओला के देखिए स्कूटर आ गए हैं ओला के स्कूटर अभी आया है तो मतलब इनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर दो तीन महीने पहले ही शायद होनी शुरू हुई होगी तो यहाँ पर इन्होंने माल सप्लाई करना शुरू कर ही दिया है तो यहाँ पर ये कंपनी और ज्यादा भगती हुई दिखाई दे सकती है और यहाँ पर ईयरली बेसिस पर बात करें तो देखिए कंपनी की कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ है दो सौ पचनवे चार सौ पांच सौ छे सौ सात सौ आठ सौ नौ सौ एक हजार बारह सौ चौदह सौ यहाँ पर देखिए तेरह सौ

एक भी परसेंट के यहाँ पर शेयर इन्होंने अपने बेचे नहीं है एफ आई की बात करें एफ आई ने देखिए यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है नाइन परसेंट की हिस्सेदारी हो गई है डी की बात करें डीआईएस यहाँ पर है नहीं पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास हिस्सेदारी कम होती है दिखाई दे रही है पच्चीस से चौबीस रह गई है और यहाँ पर चौबीस में टू पॉइंट वन फाइव परसेंट की हिस्सेदारी ले रखी है लगभग बाईस की हिस्सेदारी यहाँ नजर आती है इसमें बड़े बड़े लोग और सब कुछ नजर आता है आते हुए दिखाई देंगे अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी और चार्ट पैटर्न की तो देखिए ऑलरेडी शेयर बहुत भाग चुका है अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिये लगभग यहाँ से अगर हम देखते हैं एक रैली एक महीने में इसने अच्छी खासी दिखाई है और लगभग सेवेंटी थ्री परसेंट शेयर यहाँ पर भाग चुका है और यहाँ पर देखिए अभी एक करेक्शन बोर्ड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है तो अब क्या करने की जरूरत है तो ये कि इस शेयर में थोड़ी सी अगर और गिरावट होती है ना तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश करिएगा ज्यादा मुझे नहीं लगता है ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आएगा शायद सौ रुपये तक की और गिरावट हो सकती है मैंने यहाँ पर आज के दिन बाइंग करी है अगेन यहाँ पर ये शेयर और गिरेगा मैं यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करूंगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब इसके अभी

तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर देखिए ये यह शेयर यहाँ पर पहले भी रुका था अभी रुका है यहाँ सपोर्ट लिया एक तरीके से और अगर हम यहाँ पर बात करें इस चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर देखिए एक कप बनाया कप बना के अभी ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है और नीचे आके थोड़ा सा रिट्रेस होकर यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा और एक चार्ट पैटर्न बनाता हुआ नजर आएगा और जिसे कहते हैं कप विद हैंडल पैटर्न और जब यहाँ पर ऐसी बेहतरीन बड़ी न्यूज हो तो ऐसे शेयर यहाँ पर कब कब में ऊपर निकल जाते हैं कोई किसी को नहीं पता होती और ऐसे ही शेयर फिर डबल ट्रिपल हो सकते हो, होते हुए नजर आते हैं ऑलरेडी यहाँ पर शेयर ऑलरेडी भाग चुका है काफी ज्यादा और और भी यहाँ पर चांसेस है इस शेयर के और भागने की थोड़ा सा टाइम ले सकता है इसके लिए और ऑटो में आपको पता ही है आगे चल के बहुत ज्यादा स्कोप है और ऐसी ही कंपनी जो यहाँ पर ऑटो एंसिलरीज और इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको देती हुई नजर आती है ये आपको भागती हुई दिखाई देंगी तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस की तो देखिए पहला टारगेट यही है जो कि लगभग इकतीस पैंतीस के आसपास का है और फिर दूसरे टारगेट की बात करें तो दूसरा टारगेट यहाँ पर हंड्रेड के आसपास का है जो कि मुझे लगता है कि डेढ़ से दो साल के अंदर अंदर यहाँ पर अचीव हो जाना चाहिए पेशेंटली वेट कर लीजिए लेवल डबल ही है और यहाँ पर और ऐसी न्यूज आ गई तो ये और भागता हुआ दिखाई देगा तो कंपनी को यहाँ पर बायोन बायस करके यहाँ पर खरीदारी करनी है एज वेल एज थोड़ा सा नीचे आ जाए तब यहाँ पर खरीदारी करनी है और दूसरी बात अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर खरीदारी करनी है किसी के कहने पर खरीदारी नहीं करनी केवल सीखना है यहाँ पर जो भी चीज थी वो मैं आपको बता चुका हूँ कंपनी काफी बेहतरीन है काफी अच्छी न्यूज है ओके यहाँ पर इलेक्ट्रिक के स्कूटर यहाँ पर सेल आउट होते हुए नजर आ रहे हैं फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर क्या न्यूज है वो भी आपको बता दिया है बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस